नमस्ते प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो कि कैमरे की लाइन में तथा फोटो की लाइन में एक्सपर्ट हैं तथा उनका इस फील्ड में 30 वर्ष से अधिक एक्सपीरियंस है। नमस्ते सर, सबसे पहले ये बताइए कि कैमरे को किस तरह से चलाना चाहिए। कैमरे का एक्चुअली क्या बात है, एक कैमरे चलाने के लिए तरीका होता है, हर चीज़ का अलग अलग हिसाब होता है, एक जैसा नहीं होता है। बिल्कुल कैमरे चलाने में तो हर भी चला सकता है, चलाने वाले भी चला सकता है, लेकिन आदमी का अपना अपना एंगल्स होता है, अपना अपना तरीका होता है। जैसे मान लीजिए मैंने भी चलाया कैमरा, तो मैं आपको बताऊँ मैं चलाता हूँ, मैं बता नहीं सकता आपको, सिर्फ क्या है कि आप इशारा समझ सकते हैं, मेरे पास इशारा समझने आपको कोई कोई समझ सकता है, हर एक बंदे समझ सकता है। मतलब कौन सा एंगल हम अच्छा मानते हैं कि सीधा रख लें, टेढ़ा रख लें, या कैसे, मतलब कि हम मतलब कि जैसे मान लो मूवी बना रहे हैं, हमारी मूवी बना रहे हैं, क्या ये इसका एंगल ठीक है? ये एंगल ठीक नहीं है एक्चुअली। हाँ जी, एक्चुअली ये सिर्फ कैमरे में सिर्फ पोज आना ही सबसे बड़ी बात नहीं होती। अच्छा, मतलब पोज आना सबसे बड़ी बात नहीं होती, नहीं क्या होती। उसके उसमें क्या उसमें है कि अगर हमने करना है तो एक एक नेगेटिव कम से कम 50,000 का बेचाना। अच्छा, 50,000 का एक हिसाब लगा लो, क्या चीज़ है, अलग चीज़ होती है, होती कभी ये उसमें ऐसा है कि मुझे सारी उम्र बीत जाए ना तब भी नहीं सीख सकता। कैमरे को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। कैमरे को हैंडल करना ही सबसे बड़ी अजूब वाली बात है, हैंडल करना ही जो सीख गया तो उसमें मोरल जाता है, हैंडल करना ही सबसे बड़ी बात है। देखिए वैसे रोटी के आज कल रोटीग्राफी करना कर लो हम, लेकिन फोटोग्राफी करना मुश्किल है। रोटीग्राफी कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने पहले कहा कि इसको हैंडल करना मुश्किल है, अब मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, लाइट। लाइट का कैमरे में क्या योगदान है? कैमरे में योगदान कोई नहीं है, लाइट का कोई योग नहीं है, कोई योगदान नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, बल्कि पिकिंग का मीन्स किस तरह लाइट होनी चाहिए, आपके ऊपर होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, फ्रंट ये नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। ये लाइट जो है ना, ये एज ए फैशनेबल हमने किया हुआ है, यानी कि बल्कि बंदर चलाने के लिए किया हुआ है। एक्चुअली यह कि लाइट कोई चक्कर नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। जो बैकग्राउंड में जो मजा है वो कलर में नहीं है। अच्छा, एक और बात है कि जो फोटो खींचते हैं उसके में जो क्या कहते हैं एक फेस की लुक है, वो आप कैसे मतलब लेके आनी है कस्टमर के, मतलब कस्टमर का फेस अच्छा लगे, फेस अच्छा लगे वो तो ठीक है। आपके बाद आप कहते हैं फेस अच्छा लगे, फेस तो आर्टिफिशियल लगेगा, वो नेचुरल तो रहा नहीं, वो नेचुरल जो चीज़ नेचुरल है आपके अंदर दाग आना चाहिए, कुछ ही कुछ नहीं। वो कहते हैं एक दाग क्यों आ गया, ये ऐसे आप ऐसे, वो कहते मेरा ऐसे दाग, मेरा एक काम तो है नहीं, एक दूसरा काम काम गया, वो बताओ ये बात करो। सबसे बड़ी बात होती है सीखने की बात, आदमी का अपना अपना लगना चाहिए, नेचुरल चीज़ आनी चाहिए उसके अंदर। अच्छा, एक और बात बताइए, जो हमारे नौजवान हैं ठीक है, वो इस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, उसके क्या क्या इसमें फ्यूचर है इस फील्ड में, कैसे मीन्स देखो एक व्यक्ति है जो अपना कैमरे के में अपना कैरियर बनाना चाहता है, उसके हाथ में एक कैमरा है, वो चाहता है मैं अपना आप भी इसमें काम सीखूँ, मैं अपने बीवी बच्चे भी पालूँ, क्या इस फील्ड में है फ्यूचर? नहीं देखो, फ्यूचर की बात मैंने आपको पहले बताई है कि अगर रोटोग्राफी करनी है तो फिर तो फ्यूचर है। अगर जो फोटोग्राफी करनी है तो फिर जितना मर्जी पैसा लगा उतना कम। मीन्स उसमें क्या क्या मतलब क्या क्या बन सकता है अगर फोटोग्राफी सीखने में ऐसा होता है कि अलग अलग से हिसाब होता है, कोई फैशन फोटोग्राफी सीखना चाहता है, फैशन डिजाइनिंग में जा सकता है, हाँ कोई इंडस्ट्री में काम सीखना चाहता है, एक आपने करनी है कि फैशनेबल फोटोग्राफी फैशनेबल है, एक आपने करना है कि इंडस्ट्री फोटोग्राफी है। अच्छा, आप ये बताइए कि कौन कौन सी मुश्किलें आती हैं अगर हम फोटोग्राफी में जाएं, तो कौन कौन सी मुश्किलें हमें फेस करनी पड़ती हैं?
ऐसा होता है, फेस तो कोई नहीं करनी पड़ती। जैसे मान लो कि मैं कभी कभी मान लो अकाउंट्स करता हूँ तो मेरे को कई दिक्कतें आती हैं, मान लो लाइटिंग में दिक्कत आ गई, इन्वर्टर नहीं था, इन्वर्टर लगा दिया, ठीक है, वहाँ सर्वर की प्रॉब्लम थी उसको ठीक किया, इंटरनेट पहले कम था उसको मैंने अभी वाला इंटरनेट लगा दिया। ऐसा है कि जो इसमें जो जो हाँ का जो दरिया है वो हमसे बढ़कर है, इसमें जो चीज है ना ये कभी जुड़ने बोलता, हम जुड़ बोल देंगे, ये जुड़ने बोलेगा। मीन्स मुश्किलें तो आती हैं, मुश्किलें कोई नहीं आती। अच्छा, सिर्फ ये है कि हमें समझने की बात होती है, वो समझने की बात आ गई ना, वही हमारी मुश्किल है, वही मुश्किल है, वही मुश्किल है। ठीक है, तो आप नौजवानों को क्या संदेश देना चाहोगे कि इस फील्ड में आए कि ना आए? इस फील्ड में ना, ये है कि अगर आपका शौक है इस फील्ड में, हाँ, तो उसको शौक की तरह सीखो। मीन्स जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते आपको एक रेविंग मिलेगा, एक रेविंग कैमरे के लाइन में, अगर जब तक आप एक्सपर्ट नहीं होते तब तक आपको एक रेविंग नहीं मिलेगा। अगर जिसको एक्सपर्ट हो गया तो आप जो फिल्में देखते हो, जंजीर फिल्म है, ठीक है, तो ये सभी कैमरे मैन ने बनाई है। इंडस्ट्री फिल्म तो इंडस्ट्री का एक अलग चीज है ना, तो वो सब कैमरे के बेस पे है, कैमरा बेस नहीं है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो तभी तो बताया मैंने आपको। अच्छा। इंडस्ट्री अलग अलग काम है, फिल्म इंडस्ट्री अलग है। अच्छा। और प्रोडक्ट फोटो भी अलग है, फैशन फोटो भी अलग है। नहीं, जो जो एक व्यक्ति है जो सक्सेसफुल है फोटोग्राफी में या मूवी में, सक्सेसफुल है तो एक चीज में हो सकता है, इंडस्ट्री फोटो में हो सकता है, समुद्री फोटो में हो सकता है, अपना नैरो में हो सकता है, किसी में मर्जी हो सकता है, अमिताभ बच्चन दिखेगा आपको और शाहरुख खान दिखेगा, पर एक कैमरा मैन जो उसकी क्वालिटी उसने जो कैच किया वो नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा, वो क्यों नहीं दिखेगा, उसके अंदर लाइब्रेरी कम से कम जो है, कम से कम ज्यादा नहीं 6-7 लाख की लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी बगैर कोई काम नहीं हो सकता, उसके अंदर कम से कम लाइब्रेरी है, मेरे पास 3.5 लाख की लाइब्रेरी है, वो कम सीख सकता है। जिसने आप चुन लिया कि अपना कोई और भी काम कीजिए, साथ में इसको एज अपना हॉबी बनाओ, हॉबी बनाओ, बस दैट्स ऑल, हॉबी ही फोटोग्राफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए।